एवरीवन, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे जो कि एक्सरसाइज 1C का है। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें वेरीफाई करके बताना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगा कि नहीं इस राइट हैंड साइड के। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, 3/4 प्लस माइनस 2/5 इन ब्रैकेट प्लस माइनस 7/10। तो हम ये कौन सी साइड सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, अपनी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट में आपके जो डिनोमिनेटर्स है वो क्या है, 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, अलग नंबर है, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होगा। तो 4, 5 से कितना होता है 20, तो यहाँ लिख देंगे 20। 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स, 5 times, 5 3 15 प्लस एज इट इज। 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है, 4 times, 4 2 8 और माइनस का साइन है, तो ये हम माइनस का साइन लगा दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए प्लस है और ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये लिख दे रहे हैं हम माइनस 7/10। अब देखिए बच्चों 15 एज इट इज रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 8 एज इट इज अपॉन 20 माइनस 7/10। 15 माइनस 8 कितना हुआ बच्चों, 7, तो 7/20 माइनस 7/10। अब हमें डिनोमिनेटर्स का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, तो यहाँ हम 20 और 10 का ले रहे हैं एलसीएम। क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले छोटा नंबर 2 से देते हैं, 2 1 2 0 एज इट इज, 2 5 10। अब 5 से, 5 2 10, 5 1 5, अगेन 2 से, 2 1 2 एंड 1 एज इट इज, 2 5 10, 10 2 20, तो 20 आपका क्या आ गया बच्चों, एलसीएम। 20 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में, 1 × 7 7 माइनस 10 के टेबल में 20 2 टाइम्स में, तो 2 × 7 14। अब आप सेपरेट कर दीजिए, 14 में से 7 सेपरेट करेंगे क्या आएगा, 7, 14 बड़ा है, उसके आगे साइन किसका है, माइनस का है, तो आप माइनस का साइन यहाँ लगा देंगे। अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज कैंसिल ही होंगे नहीं, तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे हमारी राइट हैंड साइड को, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। क्या है हमारी राइट हैंड साइड, 3/4 प्लस माइनस 2/5 और प्लस माइनस 7/10। ओके बच्चों, तो 3/4 ऐसा ही रहेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो माइनस 2/5 एज इट इज, प्लस का माइनस इंटू कराइए क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 7/10। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। 5 के टेबल में 10 कितना टाइम्स आता है, 2 times, 2 2 4 माइनस का साइन है, तो ये लगा दिया हमने माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस एज इट इज। 10 के टेबल में 10 कितना टाइम्स में आता है, 1 time, 1 × 7 7। ओके बच्चों, 3/4 ऐसा ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, तो इन्हें हम प्लस कर देंगे, 7 और 4 कितना हुआ, 11, दोनों ही माइनस के, तो साइन भी किसका आ जाएगा, माइनस का अपॉन 10, और 3/4 एज इट इज प्लस इंटू माइनस माइनस 11/10। अब हम क्या ले लेंगे, 4 और 10 का एलसीएम, चलो 4 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 2 2 4 2 5 10 2 1 2 5 एज इट इज 1 एज इट इज 5 1 5 यानी कि 2 2 4 4 5 20, तो 20 आ गया हमारा एलसीएम। 4 के डील में 20 कितने टाइम्स आता है, 5 times, 5 3 15 माइनस 10 के टेबल में 20 कितने टाइम्स, 2 times, 2 × 11 22। अब 22 में से 15 सेपरेट कीजिए क्या आएगा, 12 में से 5 गया 7 और यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 गया 0। ओके, और 22 बड़ा है बच्चों, तो उसके आगे साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ हम लगा देंगे माइनस का साइन अपॉन 20। देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस 7/20 आई थी और राइट हैंड साइड भी माइनस 7/20 आया है, यानी कि हमने इस क्वेश्चन को वेरीफाइड कर दिया है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। ओके बच्चों, थैंक यू।